नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम ऐसी महामारी से सामना कर रहे हैं जिससे बचना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है हम सब के लिए। और हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपका घर परिवार हमेशा 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 खुशियों से भरा रहे। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसने सबको कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट किया है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, या फिर अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं धक्का तो लगा है। क्योंकि अगर पूरी हमारी इकॉनमी पर फ़र्क पड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारी जेब पर भी फ़र्क पड़ा है। बिज़नेस हमारे ठप हो गए हैं। ऐसे में कई लोग होंगे जिनके बिज़नेस पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ये वो लोग होंगे जो ऐसे बिज़नेस चलाते थे जो इस वक्त बिल्कुल ना के बराबर चल रहे हैं या फिर बंद पड़े हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो अब दूसरा विकल्प तलाशें, क्योंकि अभी ये थमने वाला नहीं है। और लॉकडाउन जिस तरह से हो रहा है राज्यों में, वो भी बता रहा है, इशारा कर रहा है कि हो सकता है परिस्थितियाँ इससे भी ज़्यादा खतरनाक हों। हालांकि हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, बचाव बेहतर है। आप अपना बचाव करें, वही बेहतर है। तो ऐसे में कुछ ऐसे विकल्प ढूंढिए बिज़नेस को लेकर जो आपको मुनाफा दे सकें। और क्योंकि ये टाइम बीइंग है, कुछ समय बाद, एक साल बाद या कुछ महीने बाद जब ये गुजर जाएगा, तो आप दोबारा अपने बिज़नेस पर, पुराने बिज़नेस पर स्विच कर सकते हैं, और वो दिन जल्दी ही आए इंशाल्लाह। तो चलिए बात करते हैं इस दौरान आप कौन से बिज़नेस चला सकते हैं जिसमें आपको मुनाफा हो सकता है, उन बिज़नेसेस की। ज़रा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिज़नेस अच्छे से चले, हम सब आत्मनिर्भर बने, और बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे पास पैसे की कमी ना हो, हमारी मानसिक शांति सही से बनी रहे, और सबसे बड़ी बात, हमारी सेहत बिल्कुल सही से बनी रहे। देखिए ये बिजनेस। तो चलिए जानते हैं संकट के दौर में आप कौन से बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप बम्पर कमाई कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे हमारे द्वारा बताए गए आइडिया को आप पूरी तरह से समझ पाए। शुरू करें हैंड सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये तय करना है कि आप किस स्तर पर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि छोटे स्तर पर या फिर बड़े स्तर पर। उसी हिसाब से अपने बिजनेस का प्लान बनेगा। सैनिटाइजर भी दो तरह के होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर और दूसरा माइल्ड हैंड सैनिटाइजर। इन दोनों में से भी आपको एक का चयन करना होगा कि आप किस प्रकार के सैनिटाइजर का बिजनेस करना चाह रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर बनाने के व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस। इस बिजनेस को आप MSME के तहत या उद्योग आधार के तहत रजिस्टर करवाएं और लाइसेंस प्राप्त करें। इसके बाद GST रजिस्टर जरूर करवाएं। डोर टू डोर डिलीवरी बिजनेस। कोरोना काल में डिलीवरी बिजनेस में काफी उछाल आया है। ई कॉमर्स कंपनियां और ऑनलाइन फूड बेचने वाली कंपनियों के बारे में काफी तेजी आई है। ऐसे में लोकल स्तर पर डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। यह बिजनेस सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी से संबंधित हो सकता है। इसमें ग्रोसरी, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर कैन जैसे प्रोडक्ट की डिलीवरी की जा सकती है। इस बिजनेस में कितनी लागत आएगी? इस बिजनेस को शुरू करने में ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको गोदाम और वाहन के लिए पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा आप जिस प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करना चाहते हैं उस कंपनी से डील करते वक्त कुछ लागत लगानी पड़ सकती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। यदि आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू कर कंपनी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पंजीकरण जरूर करवाना होगा। आप जिस राज्य में बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ के राजस्व दफ्तर में जाकर आपने अपने बिजनेस का पंजीकरण करवाएं। टिफिन सर्विस का बिजनेस। आज की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो काफी ग्राहक बना सकते हैं। उसका कारण यह है कि लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते कई होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं या अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग घर से बाहर रह रहे हैं, जॉब करने वाले, पढ़ने वाले और अन्य, तो उनको खाने पीने की समस्या हो रही है। हालांकि बड़े शहरों में उनके लिए ऑनलाइन सर्विस खुली हुई है, परंतु हर रोज बाहर का खाना खाना हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। ऐसे में यदि आप उनको घर का खाना और होम डिलीवरी का विकल्प देते हैं तो उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। इस बिजनेस को आप बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप अपने बिजनेस को नया और सस्ता विकल्प बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके हिसाब से यदि आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित ही कामयाब होंगे। कम लागत में शुरू करें टिफिन सर्विस का बिजनेस। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन क्लासेस बिजनेस। इस बिजनेस को वो हर व्यक्ति शुरू कर सकता है जो पढ़ा लिखा है या जिसमें कुछ ना कुछ अलग कला है और स्किल है। यदि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप घर बैठे इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। जानिए आप ऑनलाइन किस तरह की क्लासेस ले सकते हैं। जो लोग टीचर हैं वो नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 5वीं से 10वीं तक और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं।
बारहवीं के बाद वाले बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट या अन्य तरह के कोर्स करते हैं, यदि आप इसमें निपुण हैं तो ये क्लासेस ले सकते हैं। महिलाएं घर बैठे कुकिंग क्लासेस, कढ़ाई बुनाई, सिलाई और हैंड क्राफ्ट आदि की क्लासेस ले सकती हैं। योगा, डांस, फिटनेस, सिंगिंग, स्पेशल टैलेंट आदि से जुड़ी क्लासेस ली जा सकती है। ये बस उदाहरण है। यदि आप इस तरह से और भी आइडिया ढूंढ सकते हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। होममेड कपड़े और मास्क बिजनेस। आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट लॉकडाउन में फंसी हुई है। ऐसे में एसेंशियल प्रोडक्ट से जुड़े बिजनेस और शॉप्स ही खुली हुई हैं। यदि आप कोई नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आप होममेड कपड़े और मास्क बिजनेस शुरू कर सकते हैं। होममेड कपड़ों का मतलब है कि आप घर बैठे कपड़े सिलकर अपने ग्राहकों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कपड़े आपसे क्यों सिलवाएं? वो भी इस गंभीर समस्या के चलते हुए। तो आपको बता दें कि ऐसे कई लोग हैं जिनके वहाँ शादी है या कोई त्योहार है, बल्कि गर्मियों के मौसम में लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद भी करते हैं, तो उनके लिए आप एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। साथ ही महामारी से जुड़े नियमों का पालन करते हुए यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस जरूर बढ़ने की संभावना है। जानिए कैसे आप इस महामारी में भी अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले काम ये करना है कि घर पर ही रहकर आपने एक शॉप बनानी है, यानी कि घर का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर आप इस बिजनेस को बिना किसी परेशानी के कर सकें। घर के बाहर बैनर लगवाएं जिसमें लिखा हो कि आपकी शॉप ऑनलाइन है, यानी कि आपका कपड़ा और मेजरमेंट आपके घर से लिया जाएगा और कपड़े सिलने के बाद घर पर डिलीवर किया जाएगा। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों की मदद लें बिजनेस को बढ़ाने में। बिजनेस का प्रमोशन करें। जो व्यक्ति या महिला मेजरमेंट लेने और कपड़ा लेने ग्राहक के घर जाती है वो अपनी हेल्थ रिपोर्ट अवश्य बनवाएं, साथ ही पूरी सावधानी के साथ ग्राहक के घर जाएं। याद रखें, आपको इस महामारी के दौरान ग्राहकों का विश्वास जीतना है, इसलिए सावधानी में कोई समझौता ना करें। सिलाई का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो जरूर देखें। इसमें सिलाई के बिजनेस से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं जिससे आप अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं। तो ये थे वो बिजनेस जो आप इस दौरान शुरू कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है इन बिजनेस को चलाना। और याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी सेहत है, जान है तो जहान है, उसके बाद दूसरा काम है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और जो आपको इजी लगता है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको लोग बता रहे होंगे, ये राय वो राय, बहुत सारे मैसेजेस फ्लोट हो रहे होंगे, आप अपने दिमाग से ज़रूर सोचिएगा। आप सोचिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके बिज़नेस को लेकर क्या चीज़ें बेहतर हैं, किस तरह से आपको प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरह से आपको ये एहतियात बरतनी है कि आपके पास आने वाला ग्राहक भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।